अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी पीसी या लैपटॉप से जो ऑल प्रोग्राम होता है उसको कैसे हाइड किया जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। मेरा प्रयास रहता है कि वीडियो छोटी से छोटी हो, उस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा कुछ बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। ऑल प्रोग्राम में सभी एसेसरीज होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर उसको आप हाइड कर देते हैं तो कोई भी यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए, की के साथ आर प्रेस कीजिए, रन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको टाइप करना है easygpedit.msc, उसके बाद एंटर क्लिक करेंगे। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो आ जाएगा। सबसे लास्ट वाले एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक कर देना है। इस फोल्डर को क्लिक करने के बाद इस रिमूव ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। फिर इसको क्लिक करने के बाद ये तीन ऑप्शन आएगा, यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब इनेबल करने के बाद स्टार्ट पर दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ से ऑल प्रोग्राम बिल्कुल हाइड हो चुका है। अब आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है उसको कोई एक्सेस नहीं है। आप जानते होंगे सभी प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम से ही स्टार्ट होते हैं। इस इनेबल ऑप्शन के ऊपर नॉट कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ अगर आप क्लिक करके ओके करते हैं तो दोबारा प्रोग्राम फिर शो होने लगता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।